Hi guys, welcome back to Redip channel. My name is Disha and I am Sana and we are the Dumb Dwarves. So guys, आज हम react करने वाले हैं Coke Studio पे, जिसका title नया नया आया मतलब, तो title बता दो. Yes guys, and the title is amazing. It's Go, it's just Go, and it's by oh my God, Abdullah Siddiqui and आतिफ असलम. Yes, तो guys आपको जैसे कि बताया हमने अब्दुल्ला सिद्दीकी के एक song पे react करा था and उनकी आवाज इतनी ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है मतलब. बिल्कुल ऐसे Hollywood vibes. Exactly, हाँ बिल्कुल Hollywood vibes है. एंड आतिफ असलम का तो हम क्या ही बोलें. यस गाइस, सो अभी देखते हैं वाला गाना कैसे होने वाला है, क्योंकि काफी ज्यादा हाइप है इसकी मतलब. हाँ. आसपास लोगों ने डाल रखा था कि सुनो ये न्यू सॉन्ग आया, इट्स अमेजिंग. हां, सो लेट्स जस्ट सी. आतिफ असलम का सेकंड सॉन्ग है कोक स्टूडियो में, है ना. हाँ, सेकंड सॉन्ग है और गाइस अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, मतलब कल ही आया है रात को. हाँ. तो गाइस अभी फटाफट से रिएक्ट करते हैं. सो इफ यू न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब एंड आल्सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गो. कोक स्टूडियो सीजन 14. Very different. Oh. अच्छा स्पेस में आए हम लोग इसी. You could say a single word and it could make my vision blurred. I'm all nerve ends, all sense, no sense left to get my feelings hurt. Sentimental amateur. हर सुबह की शुरू में वो ही खुशबू, सपनों में गुम मन गाए बजे घुंघरू, गिर गिर के मैं फिर ये कदम लूं, कैसे करूं इजहार न समझूं. आई के अब इंतहा कैसी ये जानू कैसे, इतना बरस जाता है दिल मेरा ये बारिश जैसे, मैं मेरी हर ख्वाहिश में जो मौजूद, कैसे करूं जाहिर ये बता तू. Go, cause I never take it slow. आगे आगे I don't want it all. Knew it from the get go. Get a heel comes over. Darna nahi. रात सुनहरी, पूछे दिल से बात ये गहरी, ख्वाहिशों के दर पे बैठा, आसरों का बोझ सहता, पास ये हवा जो बहकती, जाने सब हर बार ये कहती, खिड़कियाँ ये बंद न कर तू, सांस ले उदी से न डर तू. I'm a sailor but I'm in my mind, I don't need you telling me that I'm starry eyed. I don't wanna hold up if I can't break. I don't wanna shut down just to feel safe. I'm pathetic, so frenetically romanticizing. But there's just something so poetic in the clutter. You can't bring me down. Oh, you can't bring me down. Oh, go. Cause I'm never taking slow. Okay, yeah. I got what it was. Knew it from the get go. Like the sun on my skin, let the heat sink in. Patterns in my delicate scars, feel it in my sunburnt heart. Healing while I revel in pain, meaning in the burns like paint. Patterns in my delicate scars, feel it in my sunburnt heart. जाने ना जाने क्या है आधी, ये बातें क्या हूँ आधी.
बातें क्या हूँ आदि जिन राहों का आ गया वहाँ दिल जाए ना जाने क्या है बातें क्या हूँ सही में बता भाई ऐसे ड्रीमी सी वाइब्स हो गई है ना लाइक भाई बहुत ज़्यादा मतलब ना अब्दुल्ला सिद्दीकी से एक्सपेक्टेशंस थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी. उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म करा ना मेरे को पर्सनली लगा मतलब उन्होंने अपनी पूरी जान डाल दी कोक स्टूडियो को मतलब इतना उन्होंने बेस्ट करा. उन्होंने बीच में ना एक वो लिया था पूरा अलाप टाइप होता है ना इंग्लिश में पूरा उन्होंने वो लिया था इतनी अपबीट करके वो ऐसे गूज़बम्प्स. हाँ एग्जैक्टली मैं उस टाइम मेरे को ऐसे हो गया यार क्या मतलब उन्होंने पूरा अपना दिल होता है ना वो दे दिया एक्चुअली से फील हो रहा था. हाँ एग्जैक्टली आल्सो आई जस्ट वांट टू से कि आई गेस दिस सीजन इज कमिंग टू एन एंड. हाँ इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट्स आए हैं इतने अमेजिंग सॉन्ग्स आए ऐसा लग रहा है कि यार क्यों खत्म होने वाला है सीजन 14. एग्जैक्टली इट्स अमेजिंग मतलब जो पूरी स्टार्ट हुआ ना जैसे उन्होंने पूरी एक वाइब क्रिएट करी कि दे आर इन आउटर स्पेस और अंदर पूरा ऐसे क्लाउडी. हाँ और द बेस्ट पार्ट वाज द इंस्ट्रूमेंट्स. सही में मतलब इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स है ना कैसे ना टेक्नो से बीट थी और प्लस वो सितार वाला जो पार्ट था ना इतना अच्छा फ्यूजन क्रिएट हो रहा था वो इट वाज अमेजिंग. सही में और गाइस जब मतलब दोनों आर्टिस्ट साथ गा रहे थे ना मतलब मेरे को लग नहीं रहा था क्योंकि बहुत डिफरेंट आवाज है. हाँ. बट जब दोनों ने साथ में गाया मतलब इतना अच्छा लगा. हाँ. आतिफ असलम प्लस अब्दुल्ला सिद्दीकी का जो थोड़ा डार्क सा आवाज आ रही थी और आतिफ असलम की थोड़ी मीठी और भाई मतलब इतना अच्छा लगा दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा. यस गाइस वेरी अमेजिंग क्या बोले मतलब यही है और सॉन्ग के लिरिक्स बहुत अच्छे से मोटिवेशनल सॉन्ग है ना कि मतलब ऐसा लग रहा था कि हार मत मानो कुछ भी हो जाए डरना नहीं. और एक लाइन आई थी बीच में कि खुद से डरना नहीं खुद के आंसू मतलब ऐसे एक लाइन आई थी वो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लाइन थी. सही में इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग. कोक स्टूडियो का ये सीजन 14 इज माय फेवरेट बिकॉज़ इसमें बहुत अमेजिंग सॉन्ग्स आए हैं. हां और गाइस आएंगे अब इसके बाद खत्म ही होने वाला है एक दो सॉन्ग्स रह रहे होंगे. So, अभी इंतजार रहेगा लास्ट सॉन्ग कौन सा होगा. Yes guys, so it was amazing. Respect to Coke Studio, respect to all the artists. It was amazing. सही सबने जान लगा दी इस वाले सीजन में तो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.